आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम अमेज़ॉन पे कूपन्स कैसे क्रिएट करते हैं लिस्टिंग पर, ये सीखेंगे। कूपन्स क्या होते हैं पहले ही जानते हैं। आप एक लिस्टिंग देख सकते हैं टी शर्ट की। यहाँ पे आपको लिस्टिंग में देखने को मिल रहा है सेव 2% विथ कूपन। यहाँ पर भी आपको लिस्टिंग में देखने को मिल रहा है सेव 5% विथ कूपन। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अगर आप इस तरीके से कूपन्स अगर अपनी लिस्टिंग्स पे लगाते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के, तो आपकी सेल बढ़ेगी और आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम ये सीखेंगे कि इस तरीके के कूपन्स सेव 50 रुपीज़ या परसेंटेज वाइज कैसे लगाएं। सबसे पहले अपना अमेज़ॉन का सेलर का डैशबोर्ड है वो ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजिंग पे आना है और कूपन्स पे क्लिक करना है। यहाँ दो ऑप्शन है, क्रिएट कूपन्स इन बल्क और क्रिएट न्यू कूपन। तो हम आज सिंगल कूपन बनाना सीख रहे हैं लिस्टिंग पे, तो फिर दबाएंगे क्रिएट अ न्यू कूपन। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले सेट कूपन टाइप चुनना है कि स्टैंडर्ड है कि सब्सक्राइब एंड सेव है। तो अब स्टैंडर्ड चुनेंगे, सब्सक्राइब एंड सेव उनके लिए है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब किसी एनरोल किया हुआ है, मतलब आपके कूपन्स के लिए। तो ये सबके लिए नहीं होगा ये अप्लाई, तो आप स्टैंडर्ड लगाएंगे सबके लिए अप्लाई हो पाएगा, उसमें फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और टारगेट ऑडियंस में भी ऑल कस्टमर्स रहेंगे ताकि सारे कस्टमर्स को मिल सके, ठीक है। क्योंकि आपको इस बात से क्या लेना देना कि किसी कस्टमर को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, इसलिए ऑल कस्टमर्स, आपको सेल बढ़ानी है ना बस। फिर यहाँ पे अपना ASIN नंबर जो भी लिस्टिंग का होगा, जिस भी लिस्टिंग को आप पे कूपन, आपको जिस भी लिस्टिंग पे कूपन लगाना है उसका ASIN नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉपी करके और यहाँ सर्च दबा देंगे। आपका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कूपन की कुछ डिटेल्स पूछी हैं तो हम भर देते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है स्टार्ट डेट, मतलब किस डेट से ये कूपन का ऑफर शुरू करना है आपको। तो डेट चुनेंगे, मैं 12 जुलाई से करना वाला हूँ स्टार्ट। और एंड कब होगा ये ऑफर कूपन का, ये चुन लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको किस तरीके का डिस्काउंट देना है आपको ये चुनना है, मतलब मनी ऑफ की परसेंटेज ऑफ। मनी ऑफ में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 रुपीज़ ऑफ देने हैं या फिर 100 रुपीज़ ऑफ देने हैं तो ऐसे होगा। और अगर आपको परसेंटेज ऑफ देनी है तो आप दबाएंगे परसेंटेज ऑफ। उदाहरण के तौर पे आपको 10% ऑफ देना है या आपको 20% ऑफ देना है। मिनिमम आपको 1% और मैक्सिमम आपको 50% ऑफ दे सकते हैं, ठीक। मनी ऑफ में भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं चुनूंगा यहाँ 10% ऑफ, ठीक है। अब यह है लिमिट रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर। अगर आप ये लगाते हैं तो एक कस्टमर कूपन का फ़ायदा सिर्फ एक बार ही उठा पाएगा, अगर आप उसको चूज़ करते हैं तो। मतलब एक जो कस्टमर ने एक बार आपका कूपन यूज़ कर लिया है तो वो दोबारा यूज़ नहीं कर पाएगा कूपन, तो आपकी इच्छा है लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, ठीक है। इसके अलावा हमें बजट सेट करना होगा। इसमें मिनिमम बजट दिया हुआ है 1,000 रुपये का, मतलब 1,000 तो कम से कम आपको रखना ही है बजट। मैक्सिमम पहले इसमें 80 करोड़ रुपए तक दिया होता था, लेकिन शायद इन्हें 80 करोड़ लिखना अटपटा लग रहा था इसलिए उन्होंने हटा दिया। तो हम मिनिमम अपना बजट डालेंगे कितना होगा कितने तक के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसको आपको टाइटल लिखना है, कूपन का टाइटल क्या है। जैसे आप लिखेंगे सेव 10% ऑन, अपने हिसाब से लिखेंगे क्या, सेव 10% ऑन टी शर्ट फॉर मैन या फिर फेस वॉश वगैरह, जो भी आपके कूपन का टाइटल होगा आप अपने हिसाब से लिखेंगे या आपकी इच्छानुसार होगा, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू दबा देंगे। जब कंटिन्यू दबा देंगे तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप दबा देंगे सबमिट। आपका जो कूपन का सबमिशन है वो पूरा हो गया, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही था। और भी अमेज़ॉन से रिलेटेड वीडियो सीखनी है तो प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। थैंक यू।